इस देश के सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे ये नहीं बन सकते कोई भी, और इसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो देश को लीड कर सके। देश का दुर्भाग्य होगा अगर ये जीत गए तो 26 में से एक बंदा कहेगा मुझे गृह मंत्रालय चाहिए, एक कहेगा मुझे रोड मंत्रालय चाहिए, कहेगा मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए, तो इनका आपस में गुत्थी गुत्था हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो या योगी या मोदी दोनों में से एक होना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के खींचम तानी के बीच इंडी गठबंधन 1 जून को अपने प्रधानमंत्री चेहरे का ऐलान करने वाला है, जिसको लेकर हम लोकल जनता के बीच में चल रहेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस चुनाव में अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो आखिरकार वो प्रधानमंत्री के चेहरे में किसको देखना चाहते हैं। सबसे पहले सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव का पर्व चल रहा है, तो क्या लगता है कि अगर इंडी गठबंधन सरकार बना लेती है तो ऐसा कौन सा नेता है जो प्रधानमंत्री के तौर पर आप सोचते हैं कि बेहतर है देश के लिए? सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न को जवाब देता हूँ एक पब्लिक होने के नाते कि इंडी गठबंधन की सरकार ही नहीं बनेगी। दूसरा, मैं आपको उस पर विश्लेषण करके ही बता देता हूँ। मोदी जी के सामने ये 26 लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप सपोज करो देश का दुर्भाग्य होगा अगर ये जीत गए तो 26 में से एक बंदा कहेगा मुझे गृह मंत्रालय चाहिए, कहेगा मुझे रोड मंत्रालय चाहिए, कहेगा मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए, तो इनका आपस में गुत्थी गुत्था हो जाएगी। फिर यही होगा, दोबारा से सारा कोलैप्स हो जाएगा और फिर से देश चुनाव में चला जाएगा, नंबर एक। और नंबर दो, इस देश के सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे ये नहीं बन सकते कोई भी, और इसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो देश को लीड कर सके, जो विदेशों में लीड कर सके, चाहे वो फिर राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अपना अखिलेश यादव हो। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, 22 सीटों पर चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बनोगे? अखिलेश कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, अरे 80 सीटें यूपी के लड़के प्रधानमंत्री बनोगे? कोई एक ऐसा नेता हो ना जो पूरा, अच्छा कांग्रेस कहती है कि मैं पूरे देश में चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, राहुल जी कहते हैं मैं बनूंगा। राहुल जी जब आपकी सीटें आएंगी 272 तभी तो बनोगे, आपकी सीटें 40 आ जाती हैं और आप कहते नहीं जी मैं तो बनूंगा। अखिलेश कहते नहीं मेरी तो 35 आ गई मैं बनूंगा। केजरीवाल कहते हैं मेरी 22 में से 20 आ गई, 15 आ गई मैं बनूंगा। तो ये कुछ नहीं होने वाला भैया, सिर्फ ये पब्लिक को बहका रहे हैं और भरमा रहे हैं, ये सिर्फ पब्लिक को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और 1 तारीख को जो आप कह रहे हो कि मीटिंग करने जा रहे हैं इससे बात करने के लिए, तो जो 1 तारीख इनकी मीटिंग है ना वो भी ये इसीलिए कर रहे हैं कि 1 तारीख को वोटिंग होनी है। इनको लग रहा है हम कुछ ऐसी बातें मीडिया में करेंगे जो हमारे वोट परसेंट बढ़ जाएंगे या हमारा पूर्वांचल वोट बढ़ जाएगा, कहीं भी बढ़ जाएगा। तो हम देखो ये गांव से बिलोंग करते हैं, हमें पता है इनको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला और ये ऐसी रहेंगे। ठीक है, आप क्या सोचते हैं कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो कोई ऐसा पूरे इतनी सारी तमाम पार्टियों में कोई ऐसा नेता आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री के तौर पर रह सके और देश के विकास में अपने भागीदार? नहीं, मोदी जी। मोदी जी आप देखिए, मोदी जी अच्छे हैं। नहीं, मोदी जी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, एनडीए की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में कौन से ऐसे तमाम बड़े नेताओं में से एक ऐसा नेता आप बताएं जो प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए ठीक है और जो देश चलाने के लिए बेहतर है? मेरे हिसाब से तो देखो आप, शायद मोदी के बराबर कोई नहीं उठ पाएगा। नहीं बताइए, राहुल गांधी के बारे में कैसे सोचते हैं कि वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रेस में? कुछ देखो भैया, कोशिश तो सारे करते हैं लेकिन अब लेकिन मोदी जी से पहुँचना मुश्किल है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं कि कौन ऐसा नेता है जो देश के लिए बेहतर है और विकास के लिए बेहतर है प्रधानमंत्री के लिए? मेरे लिए तो सबसे पहले नंबर एक है जो राज्य चला रहे हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, उनके सिवा और कोई चला नहीं सकता। और फिर नंबर दो पे आ सकते हैं आदित्य योगीनाथ। अच्छा जी, राहुल गांधी। और राहुल गांधी, राहुल गांधी क्यों, उसमें क्या ऐसी काबिलियत आपको लगता है कि राहुल गांधी देश के लिए बेहतर है? पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, युवा हैं इसलिए। पर मैं बोलना चाहता हूँ एक बार कि आपने राहुल गांधी का नाम लिया, राहुल गांधी ने क्या करा अभी तक देश के लिए? हाँ, करेगा ना। मेरे हिसाब से तो या योगी या मोदी दोनों में से एक होना चाहिए। अभी करेगा वो, मौका मिला नहीं है ना उसको, अब मौका मिलेगा तो करेगा। मोदी होना चाहिए मेरे हिसाब से। इंडिकेटर में कोई नेता ऐसा नहीं है? नहीं, हमारे हिसाब से योगी और मोदी के बराबर कोई नहीं कर सकता और राहुल गांधी तो हो ही नहीं सकता। बच के भागने की कोशिश ना करें। ये वो तमाम लोग थे जो इस बार लोकसभा इलेक्शन में अपना कीमती वोट दिया और चाहते हैं कि देश के लिए एक बेहतर सरकार बने। जब इंडी गठबंधन की बात आई तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इंडी गठबंधन में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे, और इनका कहना है कि इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के बाद जो देश का जो विकास है उसमें अपना योगदान दे सकें वो। कैमरा पर्सन वैभव कुमार के साथ मैं सिद्धेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।